साहिबान मेहरबान कदरदान, मेरा नाम है रबीर और अब बस बैठ चुके हैं एक ऐसी बस में जिसका नाम है जिंदगी का सफरनामा, और मैं इस बस का कंडक्टर हूं, मैं आपको बता दूं। तो जब तक ये बस चलती रहेगी हम कुछ कहानियों से होके गुजरेंगे। तो ये कहानी है जो शुरू होती है बस की खिड़की से। झांको खिड़की के बाहर, क्या दिख रहा है? शाम। यार शाम ना, मुझे लगता है कि उस ऊपर वाले ने सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि जहन में रेंगते हुए सवालों को आसानी से पूछा जा सके। मेरे ख्याल में शाम इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें ढलती रात सी बेबसी नहीं है और तपती दोपहर की अकड़ भी। शाम बहुत बेफिक्र सी है, शाम बहुत अपनी सी है, बिल्कुल मम्मी के किचन में खोल रही चाय की तरह। शाम में अपनापन है। कभी तुमने सोचा है कि हर रोज अपने वक्त पर शाम दरवाजा खोल के आसमान में खड़ी हो जाती है, इसके एक तरफ से चांद रेडी स्टडी होके ड्यूटी करने जा रहा होता है और एक तरफ सूरज महाशय अपनी थकान मिटा के शिफ्ट खत्म करके लौट रहे होते हैं। शाम अपने दोनों बच्चों को बराबर मौका देती है। शाम मां के आंगन सी है, वहां बराबरी है। तो चलो शाम में और थोड़ा आगे चलते हैं। बगल में चल रहे साथी की हथेली पकड़ने की हिम्मत है शाम, खुद को आईने में निहारने की कीमत है शाम। चाय की प्याली में जब मेरा बिस्किट डूबता है और जब इस आसमान की प्याली में वो सूरज डूबता है, तो ये दोनों मुझे बहुत एक जैसे मालूम पड़ते हैं। क्योंकि अगर एक पल भी ये मिस हो जाए ना, तो जी मचल सा जाता है, और वक्त रहते इसे देख लिया जाए तो सब संभल सा जाता है। बस इन्हीं पलों को चुराने और खुद से बचाने के लिए मैं जिस भी शहर में रहता हूं उसके अलग अलग कैफे में जाकर बैठ जाता हूं, चाय को जबान से लगाता हूं और सुनता हूं लूप में चल रही आसपास की कुछ आम कहानियों की खास किस्से। असल में कहानियां तुम सबकी आम हैं, लेकिन इनको खास बनाएगा शाम का फिल्टर। तो ये कहानी कैसे कैफे की है जहां पर श्रद्धा अरविंद का हाथ पकड़े बैठी हुई है। श्रद्धा रो रही है, माफी मांग रही है। अरविंद नाराज है लेकिन तब भी उसे रोने नहीं देना चाहता है। सामने वाली मेज पे फिरदौस बैठी है जिसने अभी अभी अपने लिए एक चाय की प्याली ऑर्डर करी है और कबीर से पूछती है कि जनाब बैठे क्यों हैं, आप भी ऑर्डर कर लीजिए। तो कबीर ने बोला कि तुमने कर ली ना, तो आज एक ही कप पी लेते हैं। और फिरदौस शर्मा आ गई। और तो और एक रोज उसी कैफे में उस कैफे के ओनर ने एक ऐसे शख्स को चाय पीते देख लिया जिसके साथ वो एक दौर में जिंदगी भर चाय पीना चाहता था। कहानियां ठहर जाती हैं। कहानियों का रोमांटिक या सैड होना जरूरी नहीं है, कहानियों का घटते रहना जरूरी है, हमारे भीतर हमारे बाहर। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि अरविंद और श्रद्धा का रिश्ता कितना पुराना था? इससे क्या फर्क पड़ता है कि श्रद्धा नहीं चाहती थी अरविंद के साथ उसके घर में रहना क्योंकि उसके माँ बाबा के साथ वो सेटल नहीं कर पा रही थी और वो घर छोड़ना चाहती थी, और इस कश्मकश में दोनों रिश्ते बचा रहे थे। श्रद्धा ने अरविंद की जब हथेली पकड़ी थी तो सिर्फ उस हथेली में अरविंद नहीं था, एक रिश्ता था, और उस हथेली के दरमियान शाम रिस रही थी। उन दोनों की आंखों में हौले हौले शाम रिस रही थी। और फिरदौस, कबीर जनाब 70 साल की उम्र है दोनों की और ये अपनी 85वीं साल की राह बनाने इस कैफे में आए हैं। एक बेटा था जो दुबई चला गया कमाने, हर महीने थोड़े से पैसे भेज देता है, बाकी कबीर की पेंशन चल जाता है। आज 85वीं साल की राह पे दोनों लोग एक कप प्याली में इश्क बांट रहे हैं, उस प्याली की चुस्की में शाम गुनगुना रही है। और यमन ने जब अपने कैफे में देखा ना
की प्रेरणा बैठी हुई है, वही प्रेरणा जिसके स्कूल का प्यार थी, वही प्रेरणा जिसका कुछ साल पहले डिवोर्स भी हो चुका है। यमन के मन में बहुत सारे सवाल आए, वो उसे पूछना चाहता था, उसके पास तक गया तो, लेकिन उसके लॉक स्क्रीन में लगा वॉलपेपर जो उसकी बेटी का था, उस वॉलपेपर ने यमन को रोक लिया और यमन दो कदम पीछे हो लिया। उन लौटते कदमों में शाम भी थोड़ी सी सिकुड़ सी गई। उनके खुशी गम इन दोनों ही एक्सप्रेशंस में चढ़ उतर उनके चेहरे पे शाम ही रही थी। असल में मेरी बात मानो ना तो शाम हमारे कानों के पीछे जाके बैठी होती है और मौका पाते ही कभी होठों पे आके बैठ जाती, हंसी टोली करती है, कभी हमारे चेहरे पे चढ़कर आंखों से आंसू बनके फिसलती है। शाम हम में रहती है, हम शाम को नहीं जी रहे हैं, हौले हौले आहिस्ता से शाम हमें जी रही है। तो वक्त दो खुद को, शाम को मत जियो, शाम को तुम्हें जीने दो। दोस्तों मेरा नाम तो रहबीर, ये सुन रहे थे आप कहानी ये शाम मस्तानी।